दोस्तों बात करते हैं पोको M2 Pro की। यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या प्रोज हैं इसके, क्या क्या कॉन्स हैं और क्या डिफरेंस है पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro में। ये भी इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आपने Redmi Note 9 Pro ऑर्डर कर दिया है, मैं भी हो सकता है आप यार निराश हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इसका सेम दिखने वाला है, यानी कि डुप्लीकेट बोल सकते हैं, बट कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं Poco M2 Pro में। तो वही मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, क्या इसके प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ। कॉन्स भी हैं कुछ इसमें जो शायद Redmi Note 9 Pro में भी होंगे। तो समझ लीजिए ये वीडियो जो है वो दोनों का कंबाइन करके मैंने बनाया है। यहाँ पर दोनों के प्रोज और कॉन्स बता दूंगा और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं ऑब्वियसली बात बताने वाला हूँ। तो पहले डिफरेंस की बात कर ले तो Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro दोनों में कुछ डिफरेंस है। ऑब्वियसली बात है यार, डिफरेंस होंगे तभी तो दोनों अलग अलग है, वरना दूसरा फोन लॉन्च ही क्यों कर दी कंपनी। हालांकि 80% दोनों फोन सेम ही है, ज्यादा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो इसमें आपको जो चार्जर मिलता है जो काम में आएगा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपको काम में आ सकता है। यानी कि जो Redmi Note 9 Pro है वो थोड़ा सा स्लो चार्ज करेगा आपके फोन को, क्योंकि उसमें 18 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिलता है। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर Poco M2 Pro की, तो यहाँ पे आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जो कि आपके फोन को ज्यादा जल्दी चार्ज कर देगा कंपेयर टू जो Redmi Note 9 Pro है उससे। अगले डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आता है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है आपको Poco M2 Pro में। यानी कि हम दूसरी तरफ बात करें Redmi Note 9 Pro में, तो वहां आपको ये डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो एक कार्ड लगा लो या फिर दो सिम एक साथ लगा लो। बट ट्रस्ट मी, आप डेडिकेटेड वाले पे जाइएगा, क्योंकि इंटरनल मेमोरी आप कितनी भी लेंगे वो फुल हो ही जाएगी। तीसरा जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट में। मे भी शायद Redmi Note 9 Pro में आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती है, बट Poco M2 Pro में आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलती है। जी हाँ, इसमें आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलेगी। मतलब Poco की जो सीरीज है यार, उसमें नोटिफिकेशन लाइट अभी तक है। मेरे पास Poco F1 है उसमें भी है, Poco X2 आया था उसमें भी नोटिफिकेशन लाइट मिलती है, और इस सीरीज में M वाली सीरीज में भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है। तो यार नोटिफिकेशन लाइट Poco की सीरीज में हमेशा रहने वाली है मुझे जहाँ तक लगता है, और इसमें भी आपको देखने को मिलती है। तो यही है डिफरेंस दोनों के बीच में। अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो यहाँ पे बात करें प्रोज की, तो यार इसमें काफी सारे प्रोज भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। प्रोज की बात करें कि जो कि अच्छी बातें हैं इस Poco M2 Pro में, इसमें जो डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको 6.67 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 60 हर्ट्ज पे वर्क करती है, 90 हर्ट्ज पे नहीं करेगी, 120 हर्ट्ज पे भी नहीं करेगी। मतलब पता नहीं क्यों इसमें ऐसा दिया गया है, इसके एडवर्टाइजमेंट में कहीं ना कहीं दिया गया है कि 120 हर्ट्ज गेमिंग करके ऐसा कुछ लिखा गया, बट यार इसकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज की, तो पता नहीं कहां से 120 हर्ट्ज मिल जाएगा, आई डोंट नो। बट इसकी 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर प्रोसेसर की, तो इसमें 720G वाला प्रोसेसर मिलता है। देखिए गेमिंग रेडी फोन है आपका, गेमिंग आप अच्छे से कर पाएंगे, ऑब्वियसली बात है जी मतलब गेमिंग। यार यहाँ पर अगर 720G की जगह 730G हमको मिल जाता तो यार मतलब मजा ही आ जाता। फिर चाहे 1000 रुपये और प्राइस हो जाती तो ये Redmi Note 9 Pro का इसका डुप्लीकेट कोई नहीं बोलता फिर इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोसेसर एक अपग्रेड लेवल का प्रोसेसर मिलता है, सो कि 730G काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। हालांकि ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 8nm पे वर्क करता है 720G भी, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, आप सारे मल्टीटास्किंग वगैरह सब कुछ कर पाएंगे। बात करते हैं कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है और एक और 8 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा देखने को मिलता है, और एक और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शूट के लिए यहाँ पे कैमरा आपको देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक कैमरा है, इतना अच्छा भी नहीं है, एवरेज सा कैमरा है। बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी मिलती है, बट यहाँ पे आप भूलना मत क्योंकि आपको यहाँ पे 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी साथ में देखने को मिलता है, तो 5000mAh की बैटरी आपको जल्दी से चार्ज हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगाएगा, तो आपका फोन भी अच्छा चलेगा और चार्ज भी जल्दी हो जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से देखने को मिलता है, जो कि यार मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होते हैं वो मुझे पर्सनली पसंद पता नहीं क्यों नहीं आते, बट मे भी शायद आपको पसंद होंगे। मुझे या तो फिर बैक में दे दो या फिर इन डिस्प्ले दे दो, वो काफी अच्छे लगते हैं, बट साइड माउंटेड यार ये सैमसंग की कहीं ना कहीं कॉपी करी है इन्होंने, बट स्टिल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपको। और जो प्रोज है इसका वो ये है कि आपको इसको डेडिकेटेड यहाँ पर आपको जो है माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सारे फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि Poco F1 सीरीज है उसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलता था, अब इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, 512GB तक ये सपोर्ट करता है। ये तो होगा इसके सारे प्रोज। ओवरऑल काफ़ी ये फ़ोन अच्छा है, कोई भी इसमें मुझे नहीं लग रहा इस प्राइस में कोई भी इसमें कुछ कमी रखी है Poco ने Xiaomi ने, बट यहाँ पर जो आपको डिफॉल्ट ऐप देखने को मिलती है, जो बॉटवेयर देखने को मिलते हैं, वो यार काफ़ी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अभी
गवर्नमेंट ने जो 59 एप्स बैन करी है उनमें से काफी सारी एप इसमें आपको देखने को मिलती है। वो ऑब्वियसली बात है यार, ये फोन पहले से मैन्युफैक्चर हो गया होगा, पहले से ये रेडी हो गया होगा, इसका सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ तैयार हो गया होगा, बट यहाँ पर वो आपको हट नहीं सकती, मतलब आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है ये। और आपको पता है अगर सिस्टम में कोई बाय डिफॉल्ट ऐप आपको मिलती है तो वो आप उसको हटा नहीं सकते, बट ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये हट सकती है, ये ऐप सारी रिमूव कर सकते हैं आप इसको। बट ये सॉफ्टवेयर अपडेट कब आएगा, किस तरह से आएगा, कितनी दिन में आएगा ये पता नहीं, बट इसमें आपको जो बॉटवेयर मिलते हैं वो हट नहीं सकते हैं, आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। यही इसका कौन है और कोई इसमें कौन नहीं है, मुझे नहीं लगता और कोई कौन होगा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इसको Redmi Note 9 Pro से, उसमें भी सेम यही हाल है, इसमें भी यही हाल है, हालांकि उसमें हटा सकते हैं, इसमें आप हटा नहीं सकते। तो इसमें आपको क्लीन मास्टर देखने को मिलता है, हेलो ऐप देखने को मिलती है, जो कि यार इसमें बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है, आप इंस्टॉल नहीं करो आपको मिलेगी और आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐप है जैसे कि हेलो आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे, बट जो क्लीन मास्टर ऐप है उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ये सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलता है, आप चाह के भी इसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, और ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐप बैन है। तो यार Xiaomi क्या कर रहा है पता नहीं, क्योंकि जल्द से जल्द इसको अपडेट देना चाहिए और ये जो भी ऐप बैन हुई है इनको रिमूव करने की परमिशन यूजर को देना चाहिए ताकि खुद से वो रिमूव कर पाए। बस दोस्तों ये है प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट बिटवीन Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, कर दो जल्दी से सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोस लाता रहता हूं और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरी होती है वो मैं आपको देता रहता हूं इसी चैनल पे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।